अब हम आपको बिलासपुर में रहने वाली एक ऐसी महिला से मिलवाते हैं जिन्होंने एक रुपए की अहमियत को दुनिया को सिखाया है। एक एक रुपए जमा कर उन्होंने हजारों बच्चों की फीस जमा कर दी है और उन्हें शिक्षा दिलवाने में अहम भूमिका निभाई है। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर है बिलासपुर की, जहां एक मुहिम ने हजारों बच्चों की जिंदगी को बदल कर रख दिया है। जी हाँ, बिलासपुर की रहने वाली सीमा वर्मा ने एक रुपए मुहिम शुरू की है। इस मुहिम के जरिए सीमा स्कूल में पढ़ने वाले 33 बच्चों की फीस जमा तो करती ही है, साथ ही जब तक ये बच्चे 12वीं तक की शिक्षा पूरी नहीं कर लेते तब तक सीमा उनकी साल भर की फीस जमा करती रहेंगी। जी, इस मुहिम की शुरुआत हमने 10 अगस्त 2016 से की है और इस मुहिम को करने का हमारा जो मेन मोटिव है वो यूथ को मोटिवेट करना है, द पावर ऑफ यूनिटी की वैल्यू लोगों को बताना है। इस मुहिम के द्वारा हम लोगों से एक एक रुपए कलेक्ट करके बच्चों के साल भर की फीस जमा करते हैं, बच्चों को स्टेशनरी प्रोवाइड कराते हैं। इस मुहिम के जरिए सीमा ने अब तक 13,000 से भी ज्यादा बच्चों को स्टेशनरी का सामान मुहैया कराया है। साथ ही इस मुहिम के जरिए सीमा उन बच्चों को शिक्षित कर रही हैं जो सिर्फ पैसे न होने के चलते शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इसके साथ ही वो बच्चों को सामाजिक बुराइयों से भी जागरूक करती हैं। हम बच्चों को गुड टच बैड टच हो गया, बच्चों को मोटिवेट करना, सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका बूस्ट करना और उनको पढ़ाई में एक्टिव करना और उनको लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, कैसे हमें अपने खुद के डिसीजंस लेने, ये सारी बातें बताते हैं। और हमारे द्वारा अब तक 13,000 से ज़्यादा बच्चों को साल भर की उनको स्टेशनरी प्रोवाइड कराई गई और 33 बच्चों के साल भर की फीस जमा की गई। सीमा के इस कार्य से न सिर्फ प्रदेश बल्कि दूसरे राज्यों के लोगों ने भी इस मुहिम को अपने प्रदेश में संचालित करना शुरू कर दिया है। सीमा के इस कार्य के लिए उन्हें कई सम्मान भी मिल चुके हैं। इसके साथ ही सीमा को बेस्ट वुमन ऑफ द छत्तीसगढ़ के नाम से भी सम्मानित किया गया है। सीमा की इस मुहिम से वे बच्चे शिक्षित हो रहे हैं जो फीस ना होने की वजह से अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ जाते थे। साथ ही सीमा की ये मुहिम उन लोगों को प्रेरणा देती है जो समाज के लिए कुछ अच्छा करने का जज्बा रखते हैं। बिलासपुर से रोशन वैद्य, टीम न्यूज़ 8।